Hello guys, welcome to my YouTube channel Awesome Techie. And in this tutorial, we will see where clause in MySQL. So पहले हम directly where clause देखने के पहले syntax देखते हैं where का. तो where का syntax है यहाँ पे select star from आपका table का नाम, then where clause होगी यहाँ पे. उसके बाद होगी column name is equal to जो भी आपकी condition आप देने वाले हो वो होगी यहाँ पे. इसका एक similar way है, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करोगे तो पूरे टेबल आपके मतलब पूरे भी जो भी कॉलम नेम है आपके वो सारे शो हो जाएंगे. अदरवाइज आपको सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कॉलम ही उसमें से निकालने हैं तो आप सिलेक्ट जो भी आपके कॉलम के नेम होंगे उसको डिस्प्ले कर सकते हैं. सिलेक्ट कॉलम नेम वन, कॉलम नेम टू, जो भी आपके होंगे फ्रॉम, उसके बाद आपके टेबल का नाम, उसके बाद होगी वेयर आपकी कंडीशन एंड देन कॉलम नेम इज इक्वल टू कंडीशन होगी. तो हम डायरेक्टली यहाँ पे देखते हैं कैसे वर्क होता है. मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर का टेबल है यहाँ पे पूरा, तो हम इसमें देखने वाले हैं अभी वेयर कंडीशन देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आपके टेबल का जो भी नाम है ऑर्डर्स, वेयर क्लॉज होगी यहाँ पे. उसके बाद आपको यस नम इज इक्वल टू 1007. सपोज मैं यहाँ पे यस नम इज इक्वल टू 1000 नेम, यस नम जो भी है आपको कॉलम का नाम है यहाँ पे, उसके बाद है 1007, तो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं जितने भी 1007 के रोज है वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे. तो ऐसे सिर्फ दो ही रोज है जहाँ पे यसनम इज इक्वल टू 1007 आता है और उसके सारे टेबल आपके यहाँ पे शो हो गए. लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे इसका ऑर्डर नंबर और अमाउंट निकालना है, तो आप यहाँ पे ऐसे पर्टिकुलर कॉलम भी डाल सकते हैं फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर यस नम इज इक्वल टू 1007. तो यहाँ पे अभी सिर्फ पूरा डेटा शो नहीं होगा, सिर्फ ऑर्डर नंबर एंड अमाउंट शो होगा जिसका यस नम 1007 है. एग्जैक्टली यहाँ पे शो हो गया. तो इसके बाद है या आप इसके बाद हम लोग देखने वाले एंड कंडीशन. एंड कंडीशन का सिंटैक्स है जैसे सिमिलर ही है एंड एंड और का, सिर्फ इसमें कीवर्ड्स कुछ चेंज है. यहाँ पे देखते हैं हम एंड का सिंटैक्स. पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर आपका जो भी कॉलम का नेम है इज इक्वल टू कंडीशन, आप जो भी कंडीशन देने वाले हो. उसके बाद आता है एंड, उसके बाद सेकेंड कॉलम नेम इज इक्वल टू आपकी जो भी कंडीशन है. तो यहाँ पे वेयर एंड 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 जब भी आप देने वाले हो तो कंपलसरी आप लोगों को दो कंडीशन और दो कॉलम देने ही होंगे. तो हम यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर टेबल में, तो मैं यहाँ पे करके देख रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर आपके टेबल का नाम हो गया फ्रॉम ऑर्डर वेयर, आप लोगों को यहाँ पे कॉलम नेम देना होगा. उसके पहले हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार ऑर्डर का टेबल देखते हैं. यहाँ पे हम लोग कंडीशन देते हैं, सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ यस नम इज इक्वल टू 1007, मेरा यस नम 1007 होना चाहिए एंड मेरा ऑर्डर डेट 3 अक्टूबर 1990 होना चाहिए. तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ ये वाली क्वेरी. यहाँ पे यस नम 1007 ट्रू हो गया, ऑर्डर डेट 3 अक्टूबर हो गई. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा रो है जहाँ पे यस नम 1007 है एंड उसकी डेट है 3 अक्टूबर 1990. आप यहाँ पे सपोज यहाँ पे पूरे कॉलम आपके शो हो गए, आपको सिमिलरली सिर्फ वन और टू कॉलम ही निकालने हैं, देन आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो वेयर यस नम इज इक्वल टू 1007 एंड ऑर्डर डेट इज इक्वल टू 1990. तो इसको मैं एक बार एग्जीक्यूट करके देखता हूँ. ओके यहाँ पे मैंने टेबल नेम नहीं डाला, फ्रॉम ऑर्डर्स, एक बार यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ. तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर नंबर एंड अमाउंट आपका डिस्प्ले हो गया. इसके बाद है हमारा और कंडीशन. सिमिलरली लाइक एंड कंडीशन यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ एंड की जगह यहाँ पे और आ रहा है और वहाँ पे दोनों भी कंडीशन ट्रू होंगे तभी ही आपकी वैल्यूज वहाँ पे डिस्प्ले होगी. यहाँ पे इस दोनों कॉलम में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी सारी वैल्यूज आपको वहाँ पे डिस्प्ले होगी. तो यहाँ पे हम लोग सिंटैक्स देखते हैं. पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका टेबल का नेम वेयर कॉलम नेम इज इक्वल टू कंडीशन और कॉलम नेम इज इक्वल टू कंडीशन. यहाँ पे भी आपको दो कॉलम नेम और दो कंडीशन डिस्प्ले करनी पड़ेंगी. तो यहाँ पे जब भी आप और कंडीशन यूज करो इन दोनों कॉलम में से एक भी कंडीशन या फिर एक भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है तो आपके सारे वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे. तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर टेबल में करके देखते हैं एक बार.
यहाँ पे हम लोग पहले पूरा ऑर्डर टेबल निकाल लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आपके टेबल का नाम, वेयर कंडीशन वेयर। सपोज अभी मुझे चाहिए यस नम इज इक्वल टू 1007 और यस नम इज इक्वल टू 1001। तो यहाँ पे जब भी मैं डालूंगा और कंडीशन देन यस नम इज इक्वल टू 1007, तो यहाँ पे जो भी जितने भी 1007 के रोज है वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और उसके बाद यस नम इज इक्वल टू 1001, तो जहाँ पे भी यस नम में 1001 आएगा वो सारे सारे के सारे आपको कॉलम यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो यस नम इज इक्वल टू यहाँ पे 1007 जो मैंने डाला था एंड 1001, ये सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो गए और बाकी सारे यहाँ पे जो भी थे वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो गए। तो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर नंबर और ऑर्डर डेट मुझे चाहिए, वेयर यस नम इज इक्वल टू यहाँ पे सपोज है 1007 और यस नम इज इक्वल टू 1001। तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर नंबर एंड ऑर्डर डेट शो होगी जिसमें यस नम 1007 और 1001 है। यहाँ पे फ्रॉम ऑर्डर्स, यहाँ पे ऑर्डर नंबर एंड ऑर्डर डेट सिर्फ यहाँ इतना ही डिस्प्ले हो गया। तो ये था हमारा आज का वेयर एंड और कंडीशन थी। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑन हैकर रैंक। जितने भी हैकर रैंक में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है लाइक एंड कंडीशन और कंडीशन सिलेक्ट डिस्टिंक, जो भी हम हैकर रैंक में बहुत सारी प्रॉब्लम है वो हम लोग अगली वाली वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।